मेरे पास तो ये बता के गई थी कि जयपुर गई हूँ, तो मेरे को कल शाम को पता चला है कि लाहौर हूँ। प्राइम फेसी तो ये लगता है जो प्रेम प्रसंग का है। अपने पाकिस्तानी प्रेमी से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान मिलने पहुंची राजस्थान की अंजू आपको याद होगी। राजस्थान की रहने वाली अंजू इसी साल अपने पति और बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई थी। वहां जाने के बाद उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के नसरुल्ला से वे मिलने आई है। अंजू ने कहा था कि वे नसरुल्ला से फेसबुक पर मिली और प्यार कर बैठी, जिसके बाद उन्होंने पाक जाने का फैसला किया। पाकिस्तान जाने के बाद अंजू के पति ने कई बार अंजू को भारत आने की बात कही। बता दें कि अंजू के पति का नाम अरविंद है, लेकिन वो लगातार इनकार करती रही। अंजू पाकिस्तान में ही रहने की बात कह रही थी। उनका कहना था, मैं यहाँ घूमने आई हूँ, मैं अभी और रहना चाहती हूँ। अंत में हार कर अंजू के पति ने अंजू से अपने सारे संबंध तोड़ने का फैसला किया। बच्चों ने भी अंजू को माँ कहने से इनकार कर दिया। अंजू के पिता ने खुद कहा कि मेरी बेटी मेरे लिए अब मर चुकी है। मामले में ताजा अपडेट है कि कुछ महीनों में पाकिस्तान में रहते हुए अब अंजू थकने लगी, अंजू बोर हो गई है। अंजू का मन वापस लौटने का है, हिंदुस्तान वो आने वाली है। राजस्थान के भिवाड़ी की रहने वाली अंजू अक्टूबर के आखिर में भारत लौट आएंगी। जहां एक और अंजू के बच्चों ने अपनी माँ से मिलने की इच्छा खो दी है, माँ कहने से भी इनकार किया है। वहीं अंजू ने मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों की खातिर भारत लौट रही हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के कई सवाल हैं और वे भारत लौटकर सभी सवालों का जवाब देंगी। सीधे तौर पर भारत आने के बाद अंजू बड़ा बवाल कर सकती हैं। अंजू ने बताया कि वे पाकिस्तान में उनके वीजा की लिमिट तक रुकी थी, अब लिमिट समाप्त हो गई है और वे इसे बढ़वाना नहीं चाहती। उसकी वजह उनके बच्चे हैं, वे बच्चों के लिए भारत आना चाहती हैं, लौटकर बच्चों के साथ रहना चाहती है। उन्होंने साफ किया कि पति से उनका संबंध खत्म हो चुका है, वो सिर्फ बच्चों के लिए आ रही है। अंजू का कहना है कि उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं छिपाया। जब मैं पाकिस्तान पहुंची तो सबसे पहले अपनी बहन को फोन किया, अपने माता पिता से बात की, मेरे पास सभी सवालों के जवाब हैं। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा एजेंसी और पुलिस के सभी सवालों के मैं जवाब दूंगी। अंजू ने कहा कि उसकी मंशा कभी गलत नहीं थी, वो जब पाकिस्तान आई तो पूरे कानूनी तौर पर आई थी। अंजू के भारत आने के बाद कुछ बड़े खुलासे होने की लगातार उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि मूल रूप से यूपी की रहने वाली अंजू की 2007 में राजस्थान में शादी हुई। 34 साल की अंजू के दो बच्चे हैं। इस साल अंजू को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के रहने वाले नसरुल्ला से सोशल मीडिया पर प्यार हो गया और वे वीजा पर पाकिस्तान पहुंच गए। अंजू ने 2 साल पहले विदेश में नौकरी के नाम पर पासपोर्ट बनाया था, फिर इस साल चुपचाप पाकिस्तान का वीजा लगाकर चली गई। अंजू के पाकिस्तान जाने के बाद वो दोनों ही देशों की मीडिया में छा गई, वो पाकिस्तान हो या फिर हिंदुस्तान, दोनों ही देशों में लगातार अंजू के तमाम किस्से वायरल होने लगे। पति के साथ किस तरह के संबंध है, पति के साथ कैसी अनबन है, ये सारी बात सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया में प्रचारित प्रसारित की जाने लगी। पाकिस्तान के कई बड़े बिजनेसमैन अंजू से मिलने आए, उन्हें कई तरह के ऑफर्स दिए गए, उन्हें पाकिस्तान में रुकने को कहा गया। लेकिन अंजू का लगातार कहना है कि पति से तो मेरा संबंध खत्म हो चुका है, लेकिन बच्चों के लिए मैं हिंदुस्तान लौटना चाहती हूं और यहीं रहना चाहती हूं। गौरतलब है कि ऐसा ही एक किस्सा सीमा और सचिन का वायरल हुआ था, जहां सीमा 7 समंदर पार कर भारत आई थी, अवैध तरीके से आई थी और आज भी भारत में ही है। हाल ही में नोएडा में सचिन के साथ उन्होंने एक घर लिया है और बड़े खुशहाल जीवन के साथ भारत में रहना इंजॉय कर रही हैं। बहरहाल मामले पर और कोई बड़ी अपडेट मिलेगी तो आपसे साझा करेंगे। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।